नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं चनपटिया के स्टार्टअप जोन में और देख सकते हैं हमारे सामने ये पूरा फैक्ट्री है और आपको दिखाने वाले हैं चंपारण में सबसे सस्ती बर्तन की दुकान और फैक्ट्री। देख सकते हैं हम आ चुके हैं आरती इंटरप्राइजेज में। आरती इंटरप्राइजेज है स्टार्टअप जोन का, देख सकते हैं। और आपको आइए अंदर की ओर दिखाते हैं कि आप अगर चंपारण से हैं या बिहार से हैं तो आप कैसे कम रेट में सबसे सस्ता बर्तन ले सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं ये पूरा फैक्ट्री है और यहाँ पे काम हो रही है। देखिए यहाँ पे ये टिपन है और भी यहाँ पे कठरा, ये सब पूरी तरह की बर्तन बनाई जाती है। यहाँ पे ऑर्डर भी आप दे सकते हैं। आइए आपको इधर से पूरी दिखाते हैं तस्वीरें। देख सकते हैं माल पैकिंग हो गया है और इनके ऑनर से भी जानेंगे, बात करेंगे कैसे क्या। देख सकते हैं मशीन चालू है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में कठरा बन रहा है। देख सकते हैं ये पूरा डिब्बा हुआ है और यहाँ पे देखिए कठरा तैयार हो गया है, मैकेनिक है काम कर रहे हैं। आइए इनके ऑनर से जानते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है इसका। और देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री है और आइए आपको अंदर भी काम हो रहा है उसके बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है, ये सब देखिए ये है रॉ मटेरियल इसका। देख सकते हैं इसी से ये कठरा जो है और ये प्लेट जो है बनता है, देख सकते हैं ये है। और आइए आपको इधर दिखाते हैं, ये मैकेनिक है इस कंपनी के। अच्छा काम चल रहा है? हाँ चल रहा है एकदम। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आइए थोड़ा अंदर दिखाइए कैसे ये बनता है, ये कठरा जो है ये कैसे बनता है। वहाँ बहुत बुरुस लगता है उस मशीन पे और उसके बाद उसका घिसाई होता है। घिसाई होता है? हाँ। आप घिसाई करते हैं इसमें? कब से काम कर रहे हैं? बहुत दिन हो गया। अच्छा पहले कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। दिल्ली में? अब घर कहाँ हुआ आपका? यही साठी स्टेशन के पास। पहले दिल्ली में काम करते थे और अब घर रह कर काम कर रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, घर के पास हो गया काम तो। सैलरी मिलता है अच्छा खासा? हाँ बढ़िया सैलरी। खुश है? दिल्ली से खुश है या ना खुश? नहीं नहीं दिल्ली से तो खुशी है, जब अपने यहाँ काम मिल गया तो खुशी है। खुश है? डीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे बेतिया के? धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए इसका काम क्या होता है, थोड़ा मशीन को जो लोग देख रहे हैं वो नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा इस मशीन का काम क्या होता है? दिखाइए। ये जो है ये बुरुस है। जी बुरुस है। इसको जी हम बुरुस कहते हैं। इसको यहाँ मशीन पे चढ़ाएंगे। मशीन पे चढ़ाने के बाद जरा थोड़ा सा पीछे हटिए। जी चालू करने के बाद जैसे मशीन चालू हो गया जी, अब ये हमने मान लिया जी। उसके बाद इसके लिए ये मसाला आता है जी, ये तीन तरह का मसाला होता है। ये पहला जो है ये ब्रश के लिए है, ये है शाइनिंग के लिए, चमक के लिए। अभी हम आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा देखिए आप लोग इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि दिखाइए कैसे कठरा का सफाई होता है और घिसाई होता है और इसको तैयार कैसे किया जाता है, फिर बाज़ार में कैसे जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे और मालिक का भी नंबर देंगे। आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और माल मंगा सकते हैं। आप बिहार से या किसी भी राज्य से हैं तो माल मंगा सकते हैं। दिखाइए, देख सकते हैं ये पूरा मशीन चालू है और इसके बारे में आलम जी हमको बताएंगे, बने रहिए तब तक। देखिए कठरा है जी, घिसाई हो रहा है। देख सकते हैं पूरा कठरा फ्रेश हो गया है, काफी चमकदार बन गया है। देखिए पूरा चमचम कर रहा है कठरा। क्या बोल रहा है? गरम होगा जी जी। देखिए शाइनिंग वाला है और एक चमकदार है, इसको पूरी तरह से बना रहे हैं आलम जी। देखिए ऐसे ही कुछ कठरा बनता है जो कि पूरे लोगों के घर में यूज होता है, चावल धोने में। या देखिए अच्छा ये थोड़ा सा मात्रा में यूज होता है? हाँ एकदम कम मात्रा में जी, और उसको पूरा साफ कर देता है।
देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कटरा की सफाई हो रही है। और आइए आपको इधर दिखाते हैं, ये सब प्लेट है और इनके ओनर से भी बात करते हैं हम कि कैसे क्या मार्केट में प्राइस है और यहाँ पे कितनी लागत लगती है और छूट भी देते हैं। इनके मैकेनिक है, पूरा काम हो रहा है, देख सकते हैं ये भी पूरी उसका जो होता है ढांचा ये साँचा बना कर रखा हुआ है और इसी में जैसा जो बर्तन खोजता है वैसे मिलता है। यहाँ पे इनके मैकेनिक है। अच्छा, ये काठरा बनाने में कितना लागत लगता है? अब लागत के बारे में उसका कोई गिनती है कितना लागत लगता? नहीं गिनती है ना, गिनती क्या है उसमें, मैंने जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा। मतलब कितना मिनिमम? मिनिमम आप मालिक को बताएंगे कि हम बताएंगे। अच्छा, आप मैकेनिक है? मालिक ना बताएंगे। अच्छा, आइए यहाँ पे ओनर है, देख सकते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, एक काठरा बनाने में कितना लागत लगता है आपका? ये हमारा लग जाता है 60-70 रुपये। 60-70 रुपये प्राइस मार्केट में कितना देते हैं? देते हैं 70-75 रुपये। 70-75। अच्छा, कोई लोग आपसे माल मंगाना चाहें तो दे देंगे? क्या प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस क्या है? उनको एडवांस देना पड़ेगा? हाँ, ना एडवांस नहीं देना पड़ेगा। हाँ। माल लेंगे, पैसा देंगे। कहाँ कहाँ आपका माल जाता है? अभी तो कलकत्ता जा रहा है, रक्सौल जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, इधर गोरखपुर जा रहा है। पहले कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। अब बिहार में आ गए हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर यहीं पे है, जगदीशपुर। बिहार में आकर कितना खुश है? है, बहुत खुश है, खुशी है, खुशी है। कभी सोचे थे कि छोटा मालिक बन जाएंगे या बड़ा मालिक बन जाएंगे, दिल्ली से आकर अपने क्षेत्र में काम करेंगे? हाँ, ना ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन डीएम साहब के सब आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा क्या क्या आप बनाते हैं बर्तन? अच्छा, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए कटोरी बन रहा है जी, अपना ये प्लेट भी बन रहा है जी, ये सब प्लेट है। हाँ। अच्छा, इसका प्राइस कितना होगा प्लेट का? बीस रुपये। हाँ, किलो है, किलो पे जाता है जी। अच्छा, काम कितना करते हैं आपके फैक्ट्री में लोग? है 15 आदमी काम कर रहे हैं। 15 आदमी। हाँ, देखिए ये भी बन रहा है, कटरा उठरा बन रहा है। अपना भी रोजगार किए हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी का बात है जी। अच्छा, वहाँ पे कितना कमाते थे आप? कहाँ पे? दिल्ली में। ये वहाँ पे ठीक ठाक कमा लेते थे, उससे बढ़िया यहाँ कमा रहे हैं। उससे बढ़िया कमा रहे हैं, ये दुगुना की तीन गुना? नहीं, तीन गुना दुगुना नहीं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं ये थे हमारे चनपटिया के स्टार्टअप जोन के आरती इंटरप्राइजेज के ओनर, और इनसे हम लोग खास बातचीत किए। इसके बारे में आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।